भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में आज उन सभी कैंसर विजेताओं को जिन्होंने कैंसर की चुनौतियों से लड़ा, एक लंबी बीमारी के संघर्ष से लड़ा और संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से आज उन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की। जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जिनकी जिंदगियां अभी शुरू हुई है, जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले थे, उस समय उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करना पड़ा। सही कह रही थी अनिला कोठारी जी को, कोठारी साहब ने से उनको बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वह जितने मरीजों से मिलती थी, संपर्क में रहती थी, उनकी जीवन की वास्तविक कहानियों को समझती थी और एक मां के होने के कारण एक संवेदना थी, पीड़ा थी, उनका दर्द था कि हम ऐसे मरीजों को जिनकी उम्र कम है, कई मरीज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, धन न होने के कारण इलाज भी का करा पा रहे, उनका हम कैसे बिना इलाज के उनको छोड़ सकते। उनकी संवेदना है, उनकी पीड़ा है, और इसीलिए जब मैं कैंसर हॉस्पिटल में जाता हूं या कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कितने लोगों के पूरे परिवार इन गंभीर बीमारियों के कारण तबाह हो जाते हैं और कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, जो कुछ भी उसके पास जीवन में कमाया हुआ है और कमाया हुआ नहीं है तो कर्ज लेकर भी उसकी कोशिश रहती है कि वह अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को एक बेहतर इलाज कराए ताकि वो उस इलाज से बीमारी से ठीक हो सके। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए हमने भी ये सब पीड़ा और दर्द को देखा है। और जब ये हॉस्पिटल बना था, जब से मैं देख रहा हूं, एक नन्ना सा पौधा लगा था स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत और कोठारी साहब सुराना साहब ने एक विचार किया कि एक कैंसर का एक हॉस्पिटल होना चाहिए और एक छोटे से नन्ना पौधा एक वटवृक्ष के रूप में तो बड़ा है लेकिन उतनी ही तेजी से कैंसर की बीमारी भी बढ़ी है। उस समय या तो मरीजों को जानकारी नहीं थी, बीमारियों की जानकारी का अभाव रहता था, टेस्ट नहीं होते थे, जांचें नहीं होती थी, तो कई बार गांव में
बच्चा जवान व्यक्ति बेटे बेटे चला जाता था, लोगों को पता नहीं होता था कि साहब ठीक था, भगवान कैसे चला गया पता नहीं, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का जितना विस्तार होना था इतना विस्तार नहीं था। हम देश में 1947 में आजाद हुए, आजादी के बाद हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था और संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उस समय एक लंबी चुनौतियां हमारे सामने थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, हर क्षेत्र में चुनौतियां थी, शिक्षा का अभाव था, चिकित्सा का अभाव था, मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित थी। इतने बड़े देश के अंदर इतना समय लग जाता है इन चुनौतियों से को समाधान करने में, और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम आगे बढ़े हैं। लगातार चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, गरीब व्यक्तियों का निशुल्क इलाज हो, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लोगों को शिक्षा मिले, मौलिक शिक्षा मिले, बहुत सारे कानून बने, बहुत सारी चुनौतियों को हम पार कर पाए, गंभीर बीमारियों को भी हम चुनौतियों से लड़ पाए, लेकिन कुछ न कुछ आपदा, कुछ न कुछ संकट तो आ ही जाते हैं। अब किसको पता था कोरोना जैसी आपदा आ जाएगी, दुनिया में कोई सोच सकता है कि ऑक्सीजन भी कमी हो सकती है? मन मस्तिष्क से अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरेंगे, लेकिन प्रकृति है, लेकिन हमारी भी सामूहिक ताकत थी, सामूहिक काम करने की कार्य पद्धति बनी धीरे धीरे, कुछ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी हुआ, कुछ कोरोना के बाद हमने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को चुनौतीपूर्ण लड़कर काफी हद तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी देश बहुत बड़ा है जी, लेकिन फिर भी हम उन विकसित देशों के मुकाबले कोरोना जैसी चुनौतियों से लड़ पाए, क्योंकि हमारी सामूहिक ताकत थी, सामूहिक कार्य करने की संस्कृति थी, हमने दूसरों के अभाव दुख को पीड़ा को अपना दुख अभाव समाज के जो जिससे बन सका, सरकारों ने अपना काम किया, सोसाइटियों ने काम किया, संस्था ने काम किया, व्यक्तियों ने काम किया, बच्चों ने काम किया, जिससे जो बन सकता था उन सब ने मिलकर काम किया और उस चुनौतियों से, उस आपदा, उस संकट से हम लड़ पाए। हम पोलियो मुक्त भारत बन पाए, हम टीवी मुक्त भारत बनने का हमारा संकल्प है 2025 को, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए कैंसर की है, और इस कैंसर की चुनौतियों से भी हमें लड़ना पड़ेगा, और कैंसर की चुनौतियों से लड़ने के लिए सामूहिकता से काम करना होगा, क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांव में शिक्षा का अभाव होने के कारण, बीमारी की जानकारी का अभाव होने के कारण लोगों को बीमारी का पता नहीं चलता,
और कई बार बीमारी का पता चल जाता है तो धन का अभाव होता है, तो गांव में आदमी चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है भगवान ने ही लिखा है, जो कुछ भी अगर मैं मेरी बीमारी के लिए पैसा लगा दूंगा तो मेरे बेटे बेटियों का क्या होगा, ये पिता सोच लेता है, माँ सोच लेती है, माँ में ज्यादा संवेदना होती है, उसकी बीमारी होने के बाद भी वो कहती है कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, अगर हम सारा धन इसमें खर्च कर देंगे तो बेटे बेटियों का क्या होगा। लेकिन जब बेटे बेटियों की पर कैंसर हो जाता है तो वो सब कुछ जीवन का कमाया संचय कर्ज में लेकर भी इलाज कराता है, और इसीलिए कोठारी साहब ने बीड़ा उठाया, जो गरीब लोग हैं उनका निःशुल्क इलाज कराया, लेकिन उनकी भी एक सामर्थ्य है, लेकिन समाज अब साथ है, हम मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। राजस्थान के गांव के अंदर, हर गांव के अंदर चिकित्सा की जांच हो, कैंसर की जांच हो, ऐसी कार्य योजना बनाएंगे। अभी एक मोबाइल वैन है, दूसरी आ रही है, फिर और समाज से मांगेंगे, समाज के आगे झोली फैलाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति कैंसर से मुक्त हो। क्योंकि जो कैंसर का जो पेशेंट आता है वो 3-4 स्टेज पर आता है, उस समय उसका इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। अगर कैंसर की प्रारंभिक जांच में पता चल जाए तो हम इलाज करकर उसको बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए कैंसर की जांच भी प्रारंभिक हो और प्रारंभिक जांच होने के बाद उसका इलाज हो, और इलाज में कहीं धन का अभाव है, हम बैठे हैं, समाज बैठा है, आप चिंता मत करें कोठारी साहब, मिलकर करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में कैंसर से न मरे, यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है कि गरीब व्यक्ति है, धन का अभाव है, कैंसर का इलाज नहीं कर, हमारे पास भेजे, हम उसका इलाज कराएंगे। लेकिन धन के अभाव में कर्ज में डूबकर किसी व्यक्ति इलाज करे, यह हमारी मानवीय संवेदना के लिए उचित नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं कैंसर के रोकथाम के बारे में भी विचार करना होगा। एक बहुत लंबा समय था जब केवल बीमारी होने के बाद हम इलाज करने के लिए धन खर्च करते थे, अब समय आ गया कि बीमारी होने के क्या कारण है, किस कारण से बीमारी हुई। जैसे अभी संजय कोठारी जी बता रहे थे कि एक जिले के अंदर अन्य जिले के मुकाबले जांच में एवरेज में कैंसर की संख्या ज्यादा है, तो हमें ऐसे इलाके चिन्हित करने पड़ेंगे, ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने पड़ेंगे। उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के बाद उनकी रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर इस इलाके में कैंसर होने के क्या कारण है। देश और दुनिया में जो बेहतर रिसर्च हो रही है उसको बात करनी पड़ेगी कि भाई इस इलाके में जाकर लोगों के नमूने ले कि किस किस कारण से कैंसर के क्या क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ताकि हम कैंसर रोकने के उपायों के लिए भी काम करें और कैंसर के बाद उसके इलाज के लिए भी काम करें। हमें दोनों पहलुओं पर काम करना होगा। और इसीलिए मेरा विचार है कि इस पर आप कभी दिल्ली आए, जो दुनिया के देश के बढ़िया रिसर्च करने वाले हैं कैंसर के बारे में होने के कारण के बारे में, उनसे हम चर्चा करेंगे, उन क्षेत्रों के अंदर भेजेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे,
कैंसर के क्या क्या कारण हैं, कुछ मूल कारण हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई नए नए कारण कैंसर के हो रहे हैं। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, मैं न तो स्मोकिंग करते, न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न शराब का सेवन करते, सात्विक जीवन जीने के बाद भी कई बच्चों में और कई बड़े लोगों में मैंने कैंसर देखा है। तो आखिर कैंसर होने के कारणों पर बहुत रिसर्च कर रहा है। अभी तक हम कैंसर के इलाज में तक ठीक होने तक बहुत हद तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कैंसर का पूर्णतः इलाज होने की केयर तक हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और इसके लिए दुनिया बड़ा रिसर्च कर रही है, भारत भी बड़ा रिसर्च कर रही है। एक दिन समय आएगा जब हम कैंसर की बीमारी को मूल जड़ से समाप्त करेंगे, वह समय भी आएगा, हमारा आत्मविश्वास है। हमारी साइंस, हमारे नौजवानों के बौद्धिक क्षमता, उनकी इनोवेशन, उनकी रिसर्च क्षमता पर हमें भरोसा है कि हम इन कैंसर की बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सके। और इसके लिए एक समाज को जागृत करना पड़ेगा, समाज को जानकारी देनी पड़ेगी। इसमें संपूर्ण सोसाइटी का योगदान की आवश्यकता है कि जो अभी तक कैंसर होने के कारण है उनकी जानकारी हम समाज को दें, और जो नए नए कैंसर के कारण हो रहे हैं उनकी जानकारी भी समाज को दें। तो सबसे पहले हम कैंसर की बीमारी होने के कारणों को जानकर उनको रोकने के लिए समाज को जागृत करें, और दूसरा हमारा कैंसर होने के बाद हम व्यापक जांच अभियान चलाएं, और उस व्यापक जांच अभियान के अंदर हम फर्स्ट स्टेज पर कैंसर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम बेहतर केयर कर पाएंगे। इसलिए हम समाज को जागृत होना पड़ेगा। मुझे कई बार लगता है कि मैंने कोरोना के समय देखा कि 10-10 15-15 गांव को एक आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता संभाल रही थी। न ऑक्सीमीटर था, न थर्मामीटर था, न बीपी इंस्ट्रूमेंट था। मैं दंग रह गया जब मैं रात भर बात करता था लोगों से। मैंने कहा भाई साहब बेटे बेटे एकदम चले गए, तो मैंने कहा ऑक्सीमीटर था कि नहीं था। मुझे रात को नींद नहीं आई, मैंने दिल्ली के बाजार में जितना बाजार में मिल सकता था सब ऑक्सीमीटर दो दो तीन तीन सब गांव में भिजवाए। जितनी दवाएं होती थी एक एक गांव में कार्यकर्ताओं को कहा कि 10-10, 20-20 दवाओं के पैकेट रखो जिसकी ऑक्सीजन कम में लगे। मैंने नहीं किया, सबने किया, सबके प्रयासों से हुआ। तो आखिर अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो गंभीर बीमारियां उसकी जांच के लिए अभी भी बहुत कमी है। और इसीलिए ये मोबाइल वैन जांच का एक अच्छा प्रयास है। कोटा बूंदी के अंदर भी ये जांच की मोबाइल वैन गई थी, कई लोग डर के मारे नहीं करा रहे थे। विशेष रूप से तो गरीब व्यक्ति तो कहता था कि अगर मैंने जांच करा ली और कैंसर निकल गयो तो मां बाप पीसा कोई ना, इलाज किसान कराऊंगा। तो आप देखो उसकी क्या था कि अगर मेरे कैंसर निकल भी गया तो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि इलाज करा पाऊं, इसलिए मैं जांच भी नहीं कराऊंगा। ये भाव अभी तक रहता है अपने आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण करने के लिए कि भाई पीढ़ी बची रहे, बच्चे अच्छी पलते रहे, अब हमारी उम्र हो गई। तो बुजुर्ग लोग तो जांच कराने से, गांव में जब नौजवान गया जांच कराए तो बुजुर्ग लोगों ने तो मना कर दिया, नहीं नहीं ठीक जब होगी जिंदगी काई जांच कराने वाले निकल जाओगे तो बेटा बेटी मानेगा कोई ना, और इलाज में सारा पैसा खर्च कर देगा, जो कमाया जो वो भी बर्बाद हो जाओगा, बेचारे की जिंदगी किसान चलेगी। और इसीलिए इन सब कैंसर विजेताओं को बधाई देता हूं। आपके उत्साह, आपका आत्मविश्वास, आपकी चुनौतीपूर्ण संघर्ष और आपकी जीवन कहानियों से उन सबको भी प्रेरणा मिलेगी जिनके कुछ न कुछ गंभीर बीमारी है।
क्योंकि मन मस्तिष्क का चुनौतियों से लड़ना, आत्मविश्वास होना, चुनौतियों से संघर्ष करने की आंतरिक चेतना शक्ति जागृत होना, ये इतिहास पढ़ने से या जीवन के अंदर जिनके ऊपर जिंदगी गुजरी है उनकी कहानियों से ही प्रेरणा मिलती है। और आपके जीवन से, आपके उत्साह को देखकर अभी मैं जैसे श्रीमती जोशी से देख रहा था, एक विकलांग व्यक्ति हमारे मदन लाल जी को देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चों को देखा, चेहरे पे अभी भी उत्साह था जैसे कोई बीमारी नहीं हुई हो। ये उत्साह बीमारी होने के बाद और पहले भी उनमें चुनौतियों लड़ने की सामर्थ्य शक्ति थी, और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलेगी। और निश्चित रूप से हम इस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जीतेंगे और हर गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज हो इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। और मुझे आशा है कि हम सबके प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से, हम गांव में जांच भी कराएं और कोई गंभीर बीमारी हो जिसका इलाज के लिए धन का अभाव हो, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कई चिकित्साओं की अच्छी योजनाएं चला रखी है, लेकिन फिर भी कोई भी परेशानी हो तो मिलकर सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष है, प्रधानमंत्री सहायता कोष है, कई एनजीओ हैं, हम सुनीता गहलोत जी भी चिंता कर रही हैं पैटर्न नहीं सस्ता की, उन्होंने भी इस दर्द को देखा है, सब मिलकर काम करेंगे और सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन इलाज करा पाएंगे, हर व्यक्ति को स्वस्थ रह पाएंगे और हर चेहरे पर मुस्कान रहे, खुशी रहे, यही हमारा अंतिम संकल्प है। मैं पुनः भगवान महावीर कैंसर सोसाइटी के सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस समर्पण और सेवा भाव से इस संस्था को चला रहे हैं, इसके विस्तार कर रहे हैं, और भगवान करे हमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम कैंसर को रोक दें और कैंसर बीमारी हो न हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।